राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव को राजद में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। जेडीयू के कद्दावर ने उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा का सीधा निशाना साधा है तेजस्वी यादव पर, और ये कहते दिखाई दिए कि अब भी राजद को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं। और तेजस्वी यादव राजद को कुछ इस कदर चला रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर पोस्टर से गायब कर दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जरा आप वो सुनिए। जातीय जनगणना जो पहले भी हुई है उसका प्रकाशन बहुत जरूरी है, और जो जनगणना सामान्य तौर पे हमेशा होती है उसमें भी एक कॉलम जात का होना चाहिए, ताकि पता चलते रहे कि कितनी संख्या किस जात की है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलग अलग न्यायालयों ने कहा है, जो भी सरकारी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं का आधार होता है जनसंख्या, और जनसंख्या मालूम ही नहीं है। ओबीसी की कितनी संख्या है उसकी जानकारी नहीं है ठीक से, तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो योजनाएं कैसे बनेगी। लेकिन बन जाती है, नतीजा है कि नुकसान ही नुकसान होता है ओबीसी के लोगों को या दूसरे जो आरक्षण कैटेगरी के लोग हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए उसकी गणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। अच्छा, आरजेडी में भी तेजस्वी यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने की बात आ रही है पार्टी में, उनकी पार्टी का मामला है, उसमें मेरा क्या, उनकी पार्टी का मामला है, जिनको जिम्मेदारी दे आप लोग के लिए चुनौती बढ़ेगी? नहीं नहीं, कोई चुनौती नहीं बढ़ेगी। आज भी राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। और इस तरह से चला रहे हैं कि लालू यादव जी राबड़ी देवी जी की तस्वीर गायब कर देते हैं पोस्टर से, उसी स्टाइल में आज भी चल रहे हैं। क्या अंतर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ है, संसद में हंगामा हुआ तो उसको लेकर यहाँ क्या, संसद की बात, संसद 31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ रहेगा उसमें? नहीं, 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसका एजेंडा अभी बहुत क्लियर नहीं है। जब एजेंडा क्लियर नहीं है तो किसी भी एजेंडा पर बात हो सकती है, और ऐसे एक तरह से रूटीन बैठक है, साल में एक बार बैठक करना ही है। पिछले साल दिसंबर में बैठक हुई थी, इस साल बैठक नहीं हुई है, इसलिए बैठक हो रही। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, ऐसी चर्चा है, तैयार है? भैया, कोई जिम्मेवारी किसको मिलने के लिए बैठक नहीं है। आज भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमने संकल्प लिया है कि जेडीयू को फिर से नंबर वन की पार्टी बिहार में बनाना है, यह कम जिम्मेवारी है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेवारी। तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के सवाल पर किस तरीके से तंज कसा है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि राजद को अब भी तेजस्वी यादव ही चला रहे हैं, और तेजस्वी यादव इस तरह चला रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर पोस्टर से गायब कर दे रहे हैं, और आगे भी तेजस्वी यादव ही चलाएंगे, जिससे कोई भी मुश्किलें सत्ता पक्ष यानी जेडीयू की नहीं बढ़ने वाली है। एनडीए की कोई भी मुश्किलें तेजस्वी यादव नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, अगर उन्हें राजद का कमान भी सौंप दिया जाता है तेजस्वी यादव को तब भी। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।